अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 11, यूनिट ऑपरेशन इन फूड प्रोसेसिंग एफटीएसटी 2102 का हमारा ये लेक्चर है। आज का लेक्चर हमारा रेफ्रिजरेशन सीरीज का दूसरा और आखिरी लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम रेफ्रिजरेशन के बारे में मजीद कुछ कंटेंट्स कवर करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी देख चुके थे कि रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या है, रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं, रेफ्रिजरेशन का मकसद क्या था, और आज हम स्टार्ट करते हैं रेफ्रिजरेंट के बारे में कि जो हम रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेशन पर्पस के लिए, उस रेफ्रिजरेंट की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो जो भी आप रेफ्रिजरेंट किसी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज़ करें उसकी कुछ खास किस्म की डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमें दरकार हैं। मसलन हम जो रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेशन पर्पस के लिए, उसकी जो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था कि सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट में क्या फ़र्क था, कि जो सेंसिबल हीट होती है वो हीट ऐसी हीट होती है जो कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है, लेकिन जो आपकी लेटेंट हीट होती है ये वो हीट होती है जो कि टेम्परेचर को तो इंक्रीज नहीं करती लेकिन उसकी जो फेज होती है आपके पास उसको चेंज कर देती है। मसलन सॉलिड से लिक्विड या जो है लिक्विड से गैशियस फेज में, तो वो जो हीट करेगी तो उसको हम लेटेंट हीट कहेंगे। तो आपको हाई लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन चाहिए, यानी कि आपके पास ऐसा कोई सब्सटेंस हो जो कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके इवेपोरेशन उसको फेज चेंज करने के लिए। उसके अलावा उसकी वेपर डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ऑब्वियसली जब हम बात कर रहे हैं कि आपके पास वो जो लिक्विड होगा फेज चेंज करेगा इवेपोरेशन के नतीजे में, रेफ्रिजरेंट की बात कर रहे हैं, और वो फिर गैशियस फेज में आ जाएगा। तो जब गैस बने तो गैस की जो वेपर डेंसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। जो गैस के वेपर्स बनेंगे, वो जो आपके पास लिक्विड है उसके वेपर्स बने हैं, गैस बनी है, उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि जब वो आपके पास उसी ने आगे फर्दर कूलिंग करनी है, रेफ्रिजरेशन करनी है, ताकि आपको अच्छी सी कूलिंग मुहैया हो सके। इसके साथ साथ हमारे पास जो रेफ्रिजरेंट है वो रेफ्रिजरेंट इट मस्ट लिक्विफाई, यानी कि आपको पता है कि जब पहले आपके पास वो लिक्विड हालत में होता है और लिक्विड से वो गैस की हालत में चला जाता है और गैस से आप उसको दोबारा लिक्विड की हालत में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये दोनों जो प्रोसेस है लिक्विफैक्शन और जो इवेपोरेशन, ये आपके पास कोई नेगेटिव प्रेशर्स पे ना हो बल्कि मॉडरेटली पॉजिटिव प्रेशर्स के ऊपर ये जो दोनों स्टेप्स हैं ये अचीव होने चाहिए। जो रेफ्रिजरेंट है उसको नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, उसके अंदर किसी किस्म की कोई ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं होने चाहिए कि जो हमारे फूड मटेरियल अगर कोई लीकेज हो जाए तो ये ना हो कि आपका फूड मटेरियल ही कंटेमिनेट हो जाए। उसके अलावा इरिटेटिंग नहीं होनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि जब वो अगर उसकी कोई लीकेज हो या आपके पास वहाँ इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद हो तो वो इरिटेंट का काम करें और उसकी मौजूदगी में जो वर्कर्स वगैरह हैं या लोग हैं उनका जो है वहाँ पर वो स्टैंड ना कर सकें। बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो अच्छा जो रेफ्रिजरेंट है उसको नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए। बहुत सारे हम फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट्स भी यूज़ करते हैं, अभी हम डिटेल देखेंगे कौन कौन से रेफ्रिजरेंट्स अवेलेबल हैं। तो अच्छा जो रेफ्रिजरेंट होगा वो फ्लेमेबल नहीं होगा, उसको जो है आग नहीं लगनी चाहिए। उसके अलावा जो अच्छा रेफ्रिजरेंट होगा इट शुड ऑल्सो बी नॉन क्रोसिव, उसकी वजह से जंग वगैरह जो लगने का अमल है वो कम से कम होना चाहिए। उसके साथ साथ हमारे पास जो अच्छा रेफ्रिजरेंट होगा वो जो है मिसिबल होना चाहिए लुब्रिकेटिंग ऑयल्स के साथ, यानी कि वो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स के साथ बआसानी मिक्स हो जाए और उसी वक्त वो एक अच्छा रेफ्रिजरेंट कंसिडर किया जाएगा। जो अच्छा रेफ्रिजरेंट होगा उसको माहौल दोस्त होना चाहिए, एनवायरमेंटली फ्रेंडली होना चाहिए। पुराने ज़माने में क्लोरोफ्लोर कार्बन यूज़ किए जाते थे तो वो ओजोन की जो लेयर थी उसको डैमेज करने का बाइस बनते थे, जिसके बाद ख़ास तौर पर दुनिया भर में उनको बैन कर दिया गया
और फिर वाकई देखा गया कि जो ओजोन है उसने अपने आप को रिपेयर करना शुरू किया था और बहुत हद तक उसने अपने आप को रिकवर भी कर लिया था। जो रेफ्रिजरेंट यूज करें इट शुड बी इजीली अवेलेबल, ये ना हो कि कोई ऐसा नॉवल सब्सटेंस हो कि जो अवेलेबल इजी ना हो। उसके अलावा उसको जो है इनएक्सपेंसिव चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, ये ना हो कि आपका रेफ्रिजरेंट इतना महंगा हो कि आप उसको फिर प्रॉपरली रिप्लेस ना कर सके या यूज ना कर सके। तो इस तरह की चीजें हमारे पास इस तरह पता चलता है कि जो आप रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं जो हमें चाहिए। रेफ्रिजरेंट्स की बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की क्लासेस मौजूद हैं जिनको मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। तो मैं आपको एक जनरल सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर, तो आपको यहाँ पर ये उनकी आइडेंटिफिकेशन कोड लिखे हुए हैं कि जो रेफ्रिजरेंट है तो R7744, ये कोड्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो R7744 ये आइडेंटिफिकेशन कोड है। तो R स्टैंड फॉर रेफ्रिजरेंट, तो रेफ्रिजरेंट 744 बेसिकली जो एक मखसूस कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है, उसको आप रेफ्रिजरेंट्स के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। तो जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, जो हमारे पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, आपके पास जो गाड़ियों वगैरह की इंडस्ट्रीज है, तो उसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है वो CO2 होती है। और जो CO2 को यूज करने की जो खास बात है वो ये है कि तमाम रेफ्रिजरेंट्स जो नोन मौजूद हैं उनमें सबसे ज्यादा इसका हाईएस्ट प्रेशर होगा। अमोनिया, पुराने जमाने में जो हमारे घरों में फ्रिज हुआ करते थे, आप लोगों ने तो ऐसे फ्रिज नहीं देखे, उनमें अमोनिया हुआ करती थी। लेकिन जो अमोनिया है ये बड़ी टॉक्सिक गैस है, इंसानों के लिए खतरनाक हो सकती है, उसके अलावा ये खाने पीने की चीज़ों को भी कंटेमिनेट कर सकती है। इस वजह से जो फिर अमोनिया थी उसको जो घरेलू इस्तेमाल के लिए उसका जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम था उसमें इसका इस्तेमाल ना किया गया। लेकिन जो है इंडस्ट्रियल पर्पजेस के लिए, तो जैसे हम अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, अमोनिया जो है आप उससे यूरिया फर्टिलाइजर बनाते हैं, तो फर्टिलाइजर क्रॉप्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसके अंदर अमोनिया जब बनाने के लिए हमारे पास अमोनिया पूरी बनाई जाती है, तो उसके साथ साथ आपको वहां पर आप अमोनिया को एज अ रेफ्रिजरेंट भी यूज कर रहे होते। तो इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर्स हैं, या आपके पास कोई जो है इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन हो रही है बड़े पैमाने पर, सनती आप पैमाने पर आप कोई रेफ्रिजरेशन सिस्टम करें, वहां पर अमोनिया को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बिकॉज इट विल बी मच मोर इनएक्सपेंसिव टू यूज सच अ गैस। उसके साथ साथ हमारे पास कुछ स्पेशली पेट्रोलियम ड्राइव्ड हाइड्रोकार्बन्स भी हैं जो कि रेफ्रिजरेंट्स के तौर पर यूज होते हैं। एक चीज मद्देनजर रहे कि ये जो पेट्रोलियम अभी बताने जा रहा हूँ आपको, पेट्रोलियम ड्राइव्ड रेफ्रिजरेंट्स हैं, ये बड़े फ्लेमेबल हैं, तो इसलिए आप इनका इस्तेमाल उसी वक्त करते हैं कि जब आपके पास और जो रेफ्रिजरेंट है वो अवेलेबल ना हो या कॉस्टली हो, या आपको जो उसके और जो अदर बेनिफिट्स हैं वो ऑफसेट कर दे। तो वरना ये एक चीज मद्देनजर रहे, ये बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होगी, इनको आग लगने का बहुत खदशा होगा। उसमें मिथेन, इथेन, प्रोपेन, इथाइलिन, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, प्रोपाइलिन, पेंटेन, आइसोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, ये तमाम किस्म के हाइड्रोकार्बन्स ड्राइव्ड ये हमारे पास जो रेफ्रिजरेंट्स हैं इनको भी यूज किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन कंपाउंड्स हैं, जो ऑक्सीजन कंपाउंड्स हैं मसलन हमारे पास डाइएथाइल ईथर है, ये आप एथेनॉल की डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं और इससे ही आपके पास डाइएथाइल ईथर बनता है। एक्सट्रीमली इन जो आपके पास फ्लेमेबल है इसको भी यूज किया जाता है एज अ रेफ्रिजरेंट। उसके अलावा हमारे पास मिथाइल फॉर्मेट है, ये अगर आप मैथेनॉल जो है हमारे पास उस मैथेनॉल की कार्बोनाइलेशन करें तो उसके नतीजे में हमारे पास जो मिथाइल फॉर्मेट हमारे पास प्रोड्यूस होती है। तो जो नॉर्मली हमारे पास एक ये सिंक गैस होती है और ये उसी सिंक गैस से आपके पास ये प्रोवाइड होती है, और या इसके साथ साथ हम मैथेनॉल की बाज़ूकात कंडेंसेशन भी करते हैं। अगेन इट इज़ ऑल्सो वेरी हाईली फ्लेमेबल, तो इसका यूज़ काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव है और उसी वक्त यूज़ किया जाएगा कि जब इसके जो बेनिफिट्स हैं वो इसके डिसएडवांटेजेस से ज्यादा हो। डायमिथाइल ईथर है,
ये जो डायमिथाइल ईथर होता है, ये मैथनॉल की डिहाइड्रेशन करके इसको अचीव किया जाता है, और ये भी हमारे पास बेसिकली सीन गैस से ही आता है। इसके अलावा ये कुछ बायोफ्यूल से आपको हासिल हो सकता है। इसका जो साइड इफेक्ट्स कुछ इसके हैं, टॉक्सिसिटी है इसकी, कंटेमिनेट कर सकते हैं माइल्डली, और फ्लेमेबल तो है ही। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मद्देनजर रखनी पड़ती हैं अगर आप इसको रेफ्रिजरेंट के तौर पर यूज करें। जिस तरह हमारे पास ऑक्सीजन बेस्ड कंपाउंड्स हैं रेफ्रिजरेंट्स के तौर पर यूज किए जा रहे हैं, हमारे पास नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स भी हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स हैं इनको भी आप रेफ्रिजरेशन सिस्टम के तौर पर यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि जो ये नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड्स को आप जो हमारी घरेलू रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स हैं या इंडस्ट्रियल, खासतौर पे फूड इंडस्ट्री के हिसाब से, तो इन नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स को नहीं यूज किया जाता, क्योंकि इनकी वजह से जो कंटेमिनेशन है वो बहुत सीरियस हो सकती है, और आपका जो खाने पीने की वो चीज़ है वो हाईली कंटेमिनेटेड टॉक्सिक भी हो सकती है। तो इसकी सबसे अहम मिसाल मिथाइल अमाइन है। जब अमोनिया और मैथेनॉल का रिएक्शन करते हैं तो आपके पास ये मिथाइल अमाइन बनता है। तो इसकी मीडियम टॉक्सिसिटी है, एक ये कंट्रोल्ड सब्सटेंस है, यानी कि इसको आप खुलेआम इसकी तिजारत मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक हार्मफुल सब्सटेंस है, तो आप इसकी बड़ी कंट्रोल्ड अमाउंट में इसकी लाइसेंस वगैरह चाहिए होगा, तो ही आप इसकी खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। इथाइल अमाइन है, ये एक ऐसा रेफ्रिजरेंट है जो कि अमोनिया और एथेनॉल को रिएक्ट करा के मिलता है। ये हाईली टॉक्सिक है और फूड मटेरियल इंडस्ट्री के अंदर इसको बिल्कुल यूज नहीं किया जाता। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास कुछ एलिमेंटल गैसेस हैं, खास तौर पर नोबल गैसेस हैं आपके पास, ये जो मोनोटॉमिक गैसेस भी जिन्हें कहते हैं, नियॉन, फ्रियॉन, ये हमारे पास जो गैसेस हैं, आर्गॉन। तो ये ऐसी गैसेस हैं कि जहाँ पर आपके पास अगर कोई बहुत ज़्यादा अल्ट्रा लो टेम्परेचर आप लोगों ने अचीव करने हो, मिसाल के तौर पर एक्सपेरिमेंट्स में, रिसर्च में, लैब्स वगैरह में कहीं करने पड़ेंगे, या कुछ सुपर कंडक्टिव डिवाइसेस हैं उनके लिए इनको यूज़ करना है, तो उस वक्त ये एलिमेंटल गैसेज भी यूज़ की जाती हैं। मसलन इनकी सबसे कॉमन एग्जाम्पल नोबल गैसेज है, जो कि आप इनको बाज़ुकात बहुत ज़्यादा अल्ट्रा लो टेम्परेचर्स के लिए इनको यूज़ करते हैं। जो रेफ्रिजरेशन की इंस्टॉलेशंस हैं रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री के अंदर, खासतौर पर फूड प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर, हमारे पास जो रेफ्रिजरेशन की इंस्टॉलेशंस हैं, किस तरीके से रेफ्रिजरेशन सिस्टम को लगाया जाता है, तो बेसिकली सबसे पहले कि आपके पास अगर जैसे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, या आपने देखा होगा कि जैसे ये रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स हैं कि खाने पीने की चीज़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए स्पेशल किस्म की रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं, तो इन ऐसी चीज़ों का मकसद ये होता है कि आपके पास जो फूड मटेरियल है उसके लो टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। तो बेसिकली इनका मकसद जो है उनको ठंडा करना नहीं होता, बल्कि इसका मकसद ये होता है कि जो ऑलरेडी लो टेम्परेचर्स हैं उनको मेंटेन रखा जाए। तो इस किस्म की जो डिवाइसेस हैं वो एक मेजर ग्रुप है हमारे पास रेफ्रिजरेशन इंस्टॉलेशन में, और जो दूसरा मेजर ग्रुप है वो उनमें आपके पास चिलर्स या फ्रीजर्स आते हैं। तो चिलर्स या फ्रीजर्स इनका क्या काम है, इनका बेसिकली मकसद होता है कि आपकी जो फूड मटेरियल है उसके टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर दिया जाए, उसको लोअर कर दिया जाए, ताकि आपके पास वो जो माइक्रोबियल एक्टिविटी थी, जो वाटर एक्टिविटी थी, वो रिड्यूस हो जाए, फूड जो डिग्रेडेशन है वो स्टॉप हो जाए या बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाए। तो इस किस्म की जो डिवाइसेज हैं ये दूसरा मेजर ग्रुप है हमारे पास रेफ्रिजरेशन इंस्टॉलेशन में। अच्छा जी, चिलिंग खास तौर पर किस वक्त कहा जाता है कि कौन सी चीज चिलिंग है? देखिए, जो हमारे पास फूड मटेरियल्स मौजूद हैं, जब आप उनकी चिलिंग करते हैं तो इस प्रोसेस में हम बेसिकली क्या करते हैं कि आप जो जो उसका टेम्परेचर होता है फूड मटेरियल का, वो टेम्परेचर उसके फ्रीजिंग पॉइंट से थोड़ा हिस्सा ही ऊपर, लेट्स से कि आपके पास अगर नॉर्मली अगर कोई चीज़ 0 डिग्री सी पर फ्रीज हो रही है,
तो आप उसका टेम्परेचर, जो चिलर्स का टेम्परेचर होगा वो +2 3 इस तरह उसका टेम्परेचर होगा, तो जस्ट जो है उसके पास वो फ्रीजिंग पॉइंट से अबव चिलर्स का टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जाता है। नॉर्मली जो चिलर्स का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वो -2 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको मेंटेन करते हैं, लेकिन जो कमर्शियल चिलर्स होते हैं, कमर्शियल चिलिंग पर्पस के लिए उसको यूज किया जाता है, ऐसे चिलर्स के अंदर हमारे पास जो टेम्परेचर रेंज है वो 10 से 12 डिग्री सी के करीब है। चिलिंग का मकसद क्या है कि देखिए, जो चिलिंग का मकसद थे, खास तौर पर हम ये चाहते हैं कि जो हमारे फूड मटेरियल के अंदर जो वक्त गुजरने के साथ साथ डिटीरियरेशन हो रही है, वो जो चेंजेस आ रही है डिटीरियरेशन की वजह से, वो चेंजेस या तो स्लो डाउन हो जाएं या वो रुक जाएं। और खास तौर पर फूड मटेरियल में ऐसे कोई रिएक्शंस हो रहे हैं जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं, तो आप उसका टेम्परेचर कम कर देंगे तो वो रिएक्शन ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे। तो इसी वजह से हमारे पास जो चिल्ड फूड होती है, तो चिल्ड फूड के अंदर को आप जो कितनी देर तक, या आप उसका टेम्परेचर, उसका टाइम और टेम्परेचर है, तो वो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले अदा करता है स्टोरेज फूड की शेल्फ लाइफ को डिटरमिन करने के लिए, कि आपने कितनी देर उसको चिल किया है, ताकि उसी से पता लगेगा कि उसके अंदर जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो किस हद तक रुक चुकी है। अच्छा, चिलिंग के अंदर भी हमारे पास हीट ट्रांसफर, यानी कि कोई हीट ट्रांसफर का मैकेनिज्म है जो कि मेन रोल प्ले अदा करता है। और जो चिलिंग है ये बेसिकली आपके पास अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन है, तो आपके पास जैसे हमने कन्वेक्शन कंडक्शन रेडिएशन की बात की थी अपने एक लेक्चर में, और तो अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर का मतलब ये है कि आपके पास जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो एज द टाइम चेंजेस, तो टाइम कम ज़्यादा हो रहा है जैसे, तो टाइम के चेंज के साथ साथ ये हीट ट्रांसफर का जो रेट है ये भी मुसलसल चेंज होता जा रहा है। और ये सिर्फ जो आपके पास अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर होगी ये फूड मटेरियल के सरफेस पे होगी, लेकिन अगर आपके पास जो फूड मटेरियल का इनसाइड है, उस इनसाइड मटेरियल के अंदर हमारे पास कोई जो है वो कंडक्शन हो रही होगी, और इस तरह ये चिलर्स के अंदर ऐसा हो रहा होगा। चिलर्स के अंदर आप जो मीडियम यूज करती हैं चिलिंग करने के लिए, नॉर्मली वो आपके पास एक लो टेम्परेचर एयर होती है, तो बेसिकली क्या करता है, क्योंकि ये जो एयर है ये कोल्ड एयर होगी, लो टेम्परेचर एयर होगी, आपके पास जो फूड मटेरियल है वो फूड मटेरियल जो है वो हाई टेम्परेचर पे होगा, तो ये कोल्ड एयर जब आपके हॉट फूड मटेरियल के साथ कॉन्टेक्ट करेगी, तो ये क्या करेगी कि आपके पास जो फूड मटेरियल के अंदर जो हीट है ये उसको अपने साथ एब्जॉर्ब कराकर रेफ्रिजरेंट को ट्रांसफर कर देगी, और उसकी मदद से हमारा ये जो आपकी रेफ्रिजरेशन का पर्पज है उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। बाज़ुकात चिलर्स के अंदर इस बात की खास तौर पर ख्याल रखा जाता है कि आपकी जो चिलर के अंदर जो एयर है वो स्टेशनरी ना हो, बल्कि वो मुसलसल मूव कर रही हो, ताकि उसकी वजह से आपकी जो चिलिंग का रेट है वो इंक्रीज कर देगा, और पॉसिबल ये है कि आप जो है इस प्रोसेस को बहुत तेजी से, बहुत जल्दी उसको कंप्लीट कर लें। देखिए, ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि जो फूड मटेरियल होते हैं, फूड मटेरियल के अंदर जो मेजॉरिटी पोर्शन होता है वो उसके अंदर आपके पास वाटर का होता है। अच्छा, तो इसी वजह से जो फ्रीजिंग है, क्योंकि वाटर है, वाटर आपको पता है मखसूस उसका एक टेम्परेचर है जिसको फ्रीज कर देता है, इसी वजह से हमारे पास जो फ्रीजिंग है उसका आपकी फूड मटेरियल पर बहुत गहरा फिजिकल इफेक्ट पड़ता है। उसके जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, इस तरह की जो चेंजेस हैं, फिजिकली जो चेंजेस हैं उनके ऊपर उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। अच्छा, अब क्योंकि आपके पास जो फूड मटेरियल के अंदर पानी मौजूद है, वाटर कंटेंट मौजूद है, ये कोई प्योर वाटर कंटेंट मौजूद नहीं है, बल्कि इस वाटर के अंदर आपके पास मुख्तलिफ किस्म के अदर मिनरल्स, या आप जो खाने पीने से चीज़ खा रहे हैं उसमें वाइटामिन हैं, उसमें प्रोटीन्स हैं, उसमें फैट्स हैं, उसमें लाइपिड्स हैं, तो उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि उसके अंदर मिले हुए हैं, और इसी वजह से जो आपके पास फूड है वो किसी एक टेम्परेचर पर फ्रीज नहीं करेगी, बल्कि वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर के ऊपर फ्रीज करेगी। क्योंकि आप गौर करें तो आप देखते हैं
कि आपके पास खाने पीने का काफी देर रखने के बावजूद खाने पीने की जो चीज है उसका एक मखसूस हिस्सा तो फ्रीज हो गया है, लेकिन बाकी हिस्से फ्रीज नहीं किए। तो उसकी वजह यही है कि हमारे पास जो सब्सटेंसेस आपके फूड मटेरियल में अदर देन वाटर मिले हुए होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस की मौजूदगी के अंदर जो हमारे पास जो फ्रीजिंग है वो उसकी यूनिफॉर्म नहीं होगी, किसी मखसूस टेम्परेचर पर नहीं होगी, बल्कि वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर के ऊपर होगी। तो जो फ्रीजिंग के अंदर टेम्परेचर चिलिंग के मुकाबले में बहुत कम टेम्परेचर इस्तेमाल किया जाता है, बड़ा लो टेम्परेचर इस्तेमाल किया जाता है। और जो फ्रीजिंग का एक असूल है कि आपने जो टेम्परेचर यूज करना है, दिस टेम्परेचर मस्ट बी लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। तो नॉर्मली फ्रीजर्स का जो टेम्परेचर है वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अच्छा, जब आपके पास कोई फूड मटेरियल है और फूड मटेरियल के अंदर मौजूद कोई पानी वगैरह मौजूद है, तो जैसे ही आप पानी के फ्रीजिंग पॉइंट से थोड़ा सा ही नीचे जाएंगे, तो आपके पास जो फूड मटेरियल होगा उस फूड मटेरियल के अंदर आइस के क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपके पास वो जो पानी था वो क्रिस्टल्स फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। और बेसिकली ये जो क्रिस्टल्स होंगे ये ऑलमोस्ट प्योर वाटर के बने हुए होंगे। जैसे जैसे ये क्रिस्टल्स बनते जाएंगे, हमारे पास जो फूड मटेरियल जो सॉल्यूशन वगैरह है वो और ज्यादा कंसेंट्रेट होता जाएगा, और इस तरह हमारे पास या आपके पास जो मिसाल के तौर पर ये पॉसिबल है कि इस सारे फेज के अंदर कुछ थोड़ा बहुत जो पानी है वो अनफ्रोजन रह जाए और वो उसको हम जो है क्रिस्टल्स के अंदर कन्वर्ट ना कर सकें। अच्छा जी, जो फ्रीजिंग का प्रोसेस होता है, तो हमारे अंदर फ्रीजिंग के प्रोसेस के अंदर चिलिंग भी हो रही होती है, और साथ साथ फ्रीजिंग के प्रोसेस में जो आप लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग होती है उसको भी आप रिमूव कर रहे होते हैं, ताकि आपके पास वो दोबारा से, देखिए क्योंकि फ्रीजिंग कर रहे हैं अब लिक्विड को दोबारा आप सॉलिड हालत में लेके जा रहे हैं, तो वो आपके पास वो जो फ्रीजिंग की स्टेट है वो अचीव हो जाए। ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग है, ये जब आपके पास फूड मटेरियल में मौजूद वाटर कंटेंट है उसमें से रिमूव होगी तो ही आपके पास ये फ्रीजिंग होगी। तो जो लेटेंट हीट है फ्रीजिंग की, उसकी एक हमारे पास टेक्स्ट बुक वैल्यू है 335 किलो जाउल्स पर केजी, और ये बेसिकली आपको वो अमाउंट बताती है कि जो कि हमारे पास जो थर्मल अमाउंट आपकी एक्सचेंज होगी तो वही ये फ्रीजिंग का प्रोसेस है, ये कंप्लीट हो जाएगा। इनके अलावा जैसे हमने अभी बात की है लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर, उसके अलावा कुछ और भी सब्सटेंशियल हमारे पास लेटेंट हीट्स हैं, मसलन जो आपके पास फैट्स हैं उन फैट्स की सॉलिडिफिकेशन है, उसके अलावा आपके पास जो हीट्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स हैं, ये कुछ और ऐसी चीजें हैं कि जो हमें ख्याल रखनी पड़ती हैं, और इनकी जो क्वांटिटीज हैं वो भी आपके फ्रीजिंग के ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं। एक क्योंकि एक चीज ये याद रखिएगा कि जो ये फैट्स वगैरह जिनकी हमने चीजों की अभी बात की है, ये वाटर के मुकाबले में बहुत कम ही होंगी, तो इस वजह से इनका जो इफेक्ट है वो होगा लेकिन फिर भी एक लिमिटेड इफेक्ट होगा। चिलिंग और फ्रीजिंग के अंदर कुछ मखसूस किस्म की डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को जरा देख लेते हैं हम। देखिए, सबसे पहले आपके पास सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस जो अभी बड़ा एविडेंट था कि फ्रीजर्स के अंदर आपने -18 डिग्री सी, जबकि चिलर्स के अंदर -2 से 2 डिग्री सी तक आपने उसको यूज किया है, तो बेसिकली सिर्फ ये टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं है बल्कि कुछ और चीजें भी हैं जो कि आपके पास चिलिंग और फ्रीजिंग के अंदर बड़ी डिफरेंसेस को वाजह तौर पर वो एक्सप्लेन करने का बाइस बनती है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो फ्रीज करने के बाद आप देखते हैं, नोट करते हैं कि जो चीजें हैं उनका गलने सड़ने का जो अमल है वो बड़ा रुक जाता है, आपकी चीजों को आप लंबे अरसे तक, जैसे लोग कुर्बानी का जो गोश्त है उसको फ्रीज कर लेते हैं, महीनों उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। ऑल्दो दिस प्रैक्टिस इज नॉट गुड, लेकिन वो उसकी वजह क्या है
कि आपके पास जो वाटर के अंदर हमारे पास कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह मौजूद होते हैं वो कंप्लीटली इनएक्टिव हो जाते हैं, और वाटर के अंदर कोई और एक्टिविटी थी बायोलॉजिकल, वो एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अब वो वाटर रहा ही नहीं, वो एक सॉलिड एक और फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, आइस वगैरह में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास अब इस फूड मटेरियल को लंबे अरसे के लिए बहुत आसानी के साथ प्रिजर्व किया जा सकता है। चिलर्स और फ्रीजर्स की कुछ मखसूस किस्म की टाइप्स हैं। ये जो टाइप्स होती हैं बेसिकली जो इन चिलर्स और फ्रीजर्स के अंदर हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म अप्लाई हो रहा है उन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है। मसलन एक जो बड़ी कॉमन टाइप है ब्लास्ट चिलर्स या फ्रीजर, उसके अंदर बेसिकली क्या किया जाता है कि आप जो है एक प्रेशर के साथ स्ट्रीम ऑफ कोल्ड एयर यूज करते हैं, और ये जब स्ट्रीम ऑफ कोल्ड एयर प्रेशर के साथ आपके पास सब्जियों जो आपकी भी जो भी चीजें हैं फूड मटेरियल उसको फिर वो चिल कर देगी। तो इसके अंदर आपके पास बेसिकली चिलर्स और फ्रीजर्स दोनों शामिल होते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास कॉन्टैक्ट फ्रीजर्स मौजूद हैं। कॉन्टैक्ट फ्रीजर्स क्या करते हैं, जैसे कभी कभार आप गौर करें ये कुल्फियां जो वगैरह जो बनाई जाती हैं, तो ये आप एक तरह का कॉन्टैक्ट फ्रीजर किस्म का काम किया गया है कि आपके साथ वो जो कुल्फी का सांचा है वो लिक्विड है, वो लिक्विड उसके अंदर डाल दिया जाता है, उसके इर्द गिर्द बर्फ वगैरह मौजूद होती है, और वो उस कॉन्टैक्ट के साथ वो उसको कोल्ड किया जाता है। तो ये कोल्ड कॉन्टैक्ट फ्रीजर जिसके साथ कॉन्टैक्ट लाजमी हो उसको भी यूज किया जा सकता है। उसके अलावा कुछ और जो मजीद हमारे पास चिलर्स और फ्रीजर्स की इकसाम है उनके अंदर हम इमर्शन कूलर्स या फ्रीजर्स हैं। मसलन कैसे इमर्शन कूलर्स या फ्रीजर, जैसे आप लोग के पास आप लोगों ने अगर इलेक्ट्रिक कैटल देखी हो, या आप लोगों ने जो वाटर बॉयल करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक कैटल होती है उसके अंदर आप देखें कि वो एक इनसाइड क्वाइल होती है जिसके अंदर से बेसिकली आपके पास वो हीटर लगा होता है वो हीट कर रहा होता है। तो इसी तरह हमारे पास जो इमर्शन कूलर्स या फ्रीजर्स हैं उसके अंदर क्या होगा, कोई इस तरह की क्वाइल है, पॉसिबल है कि उस क्वाइल में से कोई रेफ्रिजरेंट घूम कर रहा है या जो भी है उसके अंदर से, तो वो आपके पास जब वो उस लिक्विड के अंदर वो डिप है क्वाइल, तो कोई भी लिक्विड है वो वाटर है या कोई और लिक्विड है उसके अंदर डिप है, तो उसकी वजह से आपका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा और आपका जो रेफ्रिजरेशन का जो पर्पज है पूरा हो जाएगा। तो ये जो इस तरह की जो टाइप होती है ये इमर्शन कूलर्स या इनको फ्रीजर्स कहा जाता है। उसके साथ साथ हमारे पास कुछ क्रायोजेनिक कूलिंग या आपके पास क्रायोजेनिक कूलर्स या फ्रीजर्स भी हैं। तो ये बेसिकली एक इवेपोरेटिव किस्म की कूलिंग करते हैं। इवेपोरेटिंग कूलिंग का क्या मकसद है कि देखिए कि जब आपके पास, मैंने एक अपने पिछले लेक्चर में एक मिसाल दी थी कि अगर आप लोग नहा नहा के निकले, तो नहाने के बाद क्या होता है कि आपके पास कुछ थोड़ा बहुत जो वाटर कंटेंट होता है अगर तो वो आपके जिस्म पर मौजूद होता है, अब क्या होगा कि अगर आप पंखे के नीचे आके बैठ जाए तो वो जब जो मॉइस्चर है वो आपके, क्योंकि बिल्कुल जिस्म के साथ कांटेक्ट पे होता है, इसका मतलब है कि उस मॉइस्चर के पास आपके कुछ बॉडी की हीट मौजूद होती है। तो जब आप पंखा वगैरह चलाते हैं तो क्या करता है वो मॉइस्चर आप जो है वो उड़ना शुरू हो जाता है, वो इवेपोरेट होना शुरू होता है, और जब वो इवेपोरेट हो रहा होता है वो आपके जिस्म की कुछ हीट को भी अपने साथ इवेपोरेट करा के ले जाता है, और इसके नतीजे में क्या होता है जिस्म का जो टेम्परेचर है वो ठंडा हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आपको हल्की सी ठंडक एहसास होगी। इस तरह की कूलिंग को इवेपोरेटिव कूलिंग कहा जाता है, और यही वजह है कि आप अगर गर्मियों की शदीद गर्मी हो और गर्मी में नहाने के बाद आप अगर डायरेक्टली पंखे के नीचे बैठे तो आपको ठंडक का एहसास होता है, आपको खुशगवारियत का एहसास होता है, तो वो बेसिकली वो आपके जो जिस्म से वो जो आपकी बॉडी हीट लूज हुई है उसकी वजह से आपको एक खुशगवार कैफियत का आपको जो है आपको मिलती है। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो हम आप करने लगे हैं कि जो आपके पास चिलर्स और फ्रीजर्स होते हैं, चिलर्स और फ्रीजर्स के अंदर हमारे पास मॉइस्चर लॉस भी हो जाता है। ये बड़ा मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से चिलर्स और फ्रीजर्स को बड़े खास तरीके से ध्यान से आप उसको इस्तेमाल करते हैं, और उसकी जो पूरी डिजाइनिंग है वो इस तरीके से की जाती है कि कहीं ये ना हो कि आपके पास जो कोई मॉइस्चर वगैरह लॉस हो और वो सारे चिलिंग का जो मकसद है वो ही खत्म हो जाए। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने देखा था कि चिलिंग के अंदर हम जो है, या आपके पास इंडस्ट्रियल आपके पास कोई कोल्ड स्टोरेज वगैरह है,
तो वहां पर जो कोल्ड एयर है बेसिकली, वो जो बड़ी आपके पास, या ये कह रहे हैं आइस कूल्ड एयर है, वो ऐसी एक ठंडी हवा है जिसके फ्लो की मदद से आप अपने फूड मटेरियल में से हीट को ट्रांसफर करवा रहे हैं और अपना जो रेफ्रिजरेशन का टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये एयर अनसेचुरेटेड हो, अनसेचुरेटेड का मतलब क्या है कि ये एयर एक ड्राई किस्म की एयर हो, इसमें कोई मॉइस्चर वगैरह मौजूद ना हो। तो जैसे आपको पता है कि अगर आपने, लेट से कि मैं, मेरे गलती से टेबल के ऊपर मेरा पानी गिर जाए, तो इस पानी को निचोड़ने के लिए मैं, अगर सही तरह साफ करना है तो मैं एक सूखा कपड़ा लूंगा। तो ये आप कहेंगे कि भाई ये आपके पास अनसेचुरेटेड है, एक सूखा कपड़ा है, तो उस सूखे कपड़े के अंदर उस पानी को एब्जॉर्ब करने की जो सलाहियत होगी वो बहुत ज्यादा होगी। अगर मैं कोई गीला कपड़ा इस्तेमाल कर लूंगा तो वो उस पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा इतनी अच्छी तरीके से, और आप जो है उसकी सही तरह उसको यूज नहीं कर सकते। इसीलिए जो कोल्ड एयर इस्तेमाल की जा रही है रेफ्रिजरेशन, इंडस्ट्रियल पर्पजेज के लिए रेफ्रिजरेशन सिस्टम, आपके पास कोल्ड स्टोरेज रूम है, सबसे अच्छी इसकी मिसाल है। वहां पर जो आपके पास कोल्ड एयर यूज की जा रही है, वो जो कोल्ड एयर है उसको कभी भी अनसेचुरेटेड नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि अगर वो आपके पास अनसेचुरेटेड होगी, इसका मतलब, या अनसेचुरेटेड का मतलब यह है कि वो ड्राई होगी, तो ड्राई होने के बाद उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद होगी कि वो वाटर को अपने अंदर जज्ब करना शुरू कर दे। तो उसका क्या नुकसान होगा कि जब आपके पास वो जो उस एरिया में जो स्टोरेज के अंदर आपके पास वाटर कंटेंट मौजूद है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, और इसकी वजह से नुकसान क्या होगा? देखिए जी, नुकसान इसका ये होगा कि आपके पास जो फूड मटेरियल है उसका जो वेट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। आपको पता है कि हम जो चीजें खरीदते हैं, खाने पीने की चीजें, वो तोल के खरीदते हैं, वजन के हिसाब से खरीदते हैं। सिर्फ ये आप केलों को छोड़ दें तो केले जो है, ये बनानास वगैरह, इनको आप दर्जनों के हिसाब से ले रहे हैं, तो या अंडे हैं, वरना उसके अलावा मोस्टली जो खाने पीने की चीजें हैं वो तोल के, वजन के लिए जाती है। तो आप जब वजन लेते हैं, मिसाल के तौर पर आपने वेजिटेबल्स नहीं, आलू खरीदे हैं, तो आलुओं के अंदर देखिए आपके पास जो आलुओं के छिलके हैं वो, उनकी भी प्राइस शामिल है। उसके अलावा आलू का जो इंटरनल सरफेस है उसकी भी प्राइस शामिल है। उसके अलावा आलू के और भी जो कुछ भी है वो सारी की सारी मुख्तलिफ किस्म की प्राइसेस उसके अंदर मौजूद है। इसी वजह से अगर आपने कोल्ड स्टोरेज, जिस तरह वेजिटेबल्स की जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह करनी पड़ती है फ्रूट्स वगैरह की, तो वो कोल्ड स्टोरेज के अंदर ये अगर जो वेट लॉस हो रहा है ये आपका नुकसान है, क्योंकि आपने जब वेट पूरा उसके अंदर, क्योंकि वाटर कंटेंट भी शामिल है, अब वो लूज कर रहे हैं तो आपको बड़ा उसका नुकसान होगा। उसके साथ साथ एक और जो बड़ा कॉमन नुकसान है वो ये है कि जो फ्रोजन चीजें होती हैं उनके अंदर आपके पास जो सरफेस होता है वो सरफेस भी कोई टेढ़ा मेढ़ा सा सरफेस हो जाता है, और उसके अंदर वो जो अपियरेंस है वो अपियरेंस भी उसकी डैमेज हो जाती है। और आपको पता है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो अगर हम फूड मटेरियल, ऐसा फूड मटेरियल हो कि जिसके अंदर जो उसका इतनी अच्छी खूबसूरती नहीं है, तो भी उसकी सेलिंग आपके लिए इशू बन सकती है और आप उसके प्रोडक्ट को जो है नहीं बेच पाएंगे, और ये भी फाइनेंशियल लॉस का बाइस बनेगी। मिसाल इसकी ऐसे है कि देखिए, अगर आपके पास कोई एनिमल बॉडी है, आपने स्लॉटर किया है, आपने जिबा करने के बाद वो जो एनिमल बॉडी है उसका जो टेम्परेचर होगा, जब एनिमल बॉडी का टेम्परेचर वो आपकी एयर, जो एम्बियंट एयर है, जो उस एयर गिर्द की जो मौजूद एयर है, क्योंकि आपको पता है हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है, एयर जो इर्द गिर्द मौजूद है उसका टेम्परेचर कम होता है। तो अगर आपके पास वो जो इर्द गिर्द जो हमारे पास उसकी एयर मौजूद है, तो जैसे ही वो जो एनिमल बॉडी है, अगर एनिमल बॉडी ठंडी हो जाए, कूल डाउन हो जाए, और तो उस कूल डाउन होने के नतीजे में वो जो टेम्परेचर है आपके पास, यानी कि इतना कूल डाउन हो कि वो एयर टेम्परेचर के बराबर आ जाए, तो उस दौरान सिर्फ इसी एयर टेम्परेचर पर आने आने में वो अपना 2% जो वेट है वो लॉस कर देगी। अब जरा आप अंदाजा लगाइए कि अगर आपके पास 100 किलो गोश्त हो और 100 किलो गोश्त में से 2% अगर आपका उसका वेट कम हो जाए, जो कि मॉइस्चर था वो रिमूव हो गया है, तो अब आपके पास 98 किलो रह गए हैं। अब हिसाब लगा देगा, ये बकरे का गोश्त हो तो ये सीधा सीधा आपको जो है 1600 रुपए का सदमा है। तो ये इस तरह का जो लॉस है, इस तरह की जो चीजें हैं, तो ये आपके पास, क्योंकि फूड मटेरियल के अंदर और जैसे जैसे अमाउंट बढ़ती जा रही है आपका ये लॉस भी बढ़ सकता है। अच्छा, फिर सिर्फ ये लॉस यहाँ पे रुक नहीं जाएगा, बल्कि क्या होगा
कि जैसे ही आप इस गोश्त को मजीद फ्रीज करेंगे तो मजीद फ्रीज करने पर ये तकरीबन 1% मजीद आपका जो इसका मॉइस्चर है वो लूज कर देगा और मजीद वजन उसका कम हो जाएगा। यानी कि 2% पहले, 1% अब, तकरीबन 3% आपने वजन कम कर लिया उसका। फिर उसके बाद क्या होगा कि आप अगर आप जो है फ्रीजर अपना जो है वो टेम्परेचर वगैरह को मेंटेन करता है तो फिर वो क्या होगा उस वक्त ये जो गोश्त है मजीद ये तकरीबन 0.25% मॉइस्चर पर मंथ के हिसाब से ये लूज करेगा। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो आपका लॉस होगा ये कम होता जाएगा, यानी कि 0.25 से भी मजीद कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपके पास ये जो 1 साल के दौरान, अगर वो आप उसको फ्रोजन फूड को कंज्यूम नहीं करते तो 1 साल के दौरान तकरीबन तकरीबन मजीद 2 से 2.5% तक आपका मॉइस्चर लॉस हो सकता है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि 2% जब जैसे ही गोश्त का जो टेम्परेचर था वो एयर टेम्परेचर पे आया, 2% उस वक्त लॉस हो गया। फर्दर जो है आपके पास फ्रीजिंग के अंदर 1% लॉस हो गया, 3% हो गए। और अगर आप ये इसमें से 2.5%, अगर आप 1 साल आपका गोश्त पड़ा रहा है तो 2.5% वो भी ऐड कर लें तो तकरीबन आपके पास 5.5-6% है। और हिसाब लगा लीजिए, अगर 100 किलो गोश्त मैंने आपको बताया था और 6 किलो उसमें से वजन कम हो जाए तो ये कितना बड़ा नुकसान है कि जो है। तो इस वजह से, और आपके पास जो वेजिटेबल्स वगैरह जो कोल्ड स्टोरेज में जो चीज़ें सब सब सप्लाई की स्टोर की जाती हैं उनका थाउजेंड्स ऑफ केजी, थाउजेंड्स ऑफ मेट्रिक टन के हिसाब से उनका वजन होता है तो ये काफी बड़ा नुकसान बन सकता है। उसके अलावा हमारे पास जो एक और किस्म का मसला आ सकता है, तो वो मसला ये भी आ सकता है कि आपके पास जो फ्रॉस्ट है, अगर अगर आपके पास वो अनसेचुरेटेड एयर है तो वो जो आपके पास फ्रिजों में देखते हैं हल्की सी बर्फ से जमी होती है, तो वो जब आपके पास कोई इवेपोरेटर सरफेस के ऊपर, ये जो आप देखते हैं फ्रिज की आपके अंदर वाली सतह पर, फ्रिज की जो दीवार है बैक साइड पर अंदर, यानी कि मैं जो फ्रिज का अंदर वाला हिस्सा है उसको खोले तो बैक साइड पर आप देखते हैं फ्रिज पे बर्फ जम जाती है। दिस आइस इज हार्मफुल। क्यों हार्मफुल है कि ये जो आइस होगी आपके पास ये उसकी जो कूलिंग इवेपोरेटर सरफेस है उसको रिड्यूस कर लेगी, उसको कवर कर लेगी, और इसका जो है आपके पास ये आपको जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डिक्रीज कर जाएगा और फर्दर जो कूलिंग है वो रुक जाएगी। अच्छा जी, ये जो वेट लॉस है इतना सीरियस प्रॉब्लम है कि इसी वजह से जो ह्यूमिडिटी होती है आपकी, वो खास तौर पर फ्रीजर्स के अंदर, चीलर्स के अंदर, या आपके पास ऐसे कोल्ड स्टोरेज जो है उनके अंदर इसकी ह्यूमिडिटी को, एयर की, इस तरीके से मेंटेन किया जाता है कि आपके पास वो जो चिलिंग या फ्रीजिंग है उस दौरान में मॉइस्चर लॉस ना हो। और ये जो ह्यूमिडिटी है एयर की जितनी ज्यादा हो ये उतनी ही अच्छी है, और उसी तरह आपका ये लॉस है वो लॉस नहीं रहेगा जो, और आपके पास वो आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा जी, हमारे पास अगर एक लार्ज क्वाइल हो, यानी कि आप फ्रीजिंग करें, वेपरेशन करें, कोई लार्ज क्वाइल हो, तो लार्ज क्वाइल का फायदा ये होगा कि जो फ्रीजिंग या कूलिंग ड्यूटी है वो बढ़ जाएगी। तो कूलिंग ड्यूटी का मतलब ये है कि आपने कितनी देर में कितनी कूलिंग की है, तो आप इसको बढ़ा लेंगे, यानी कि आप वही जो है फ्रीजिंग सिस्टम या रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज करते हुए आप जो है लेस टेम्परेचर पर वो कूल जो इफेक्ट है उसको बड़ी आसानी से हासिल कर लेंगे। अच्छा जी, हमारे पास देखिए, आप लोग घरों में आप लोगों के स्टोर रूम्स वगैरह होते हैं, तो जो घरों के आम स्टोर रूम्स हैं और जो कोल्ड स्टोरेज है उनके दरमियान में क्या फर्क है? उनके दरमियान में 2 चीजों का फर्क है। एक तो फर्क ये है कि आपके पास वो जो कोल्ड स्टोरेज होती है उसके अंदर आपके पास कोई कोल्ड टेम्परेचर है, आपके पास कोई लो टेम्परेचर है, कोई कोल्ड सोर्स मौजूद होगी, कोई रेफ्रिजरेशन सिस्टम मौजूद होगा। जो आम स्टोरेज है, कोई स्टोर रूम, आम सा स्टोर रूम है, उसके अंदर ये कोल्ड स्टोरेज मौजूद नहीं होगी। दूसरा, आपके पास जो कोल्ड स्टोरेज होता है
उस कोल्ड स्टोरेज के अंदर एक स्पेशल किस्म की थर्मल इंसुलेशन की जाती है, ताकि वो जो आपके पास जो हीट है फ्रॉम द आउटसाइड, दिस हीट शुड नॉट एंटर इनसाइड योर रेफ्रिजरेशन एरिया। तो वो आपके पास वो जो कोल्ड स्टोरेज का एरिया है उसके अंदर वो जो हीट है वो बाहर से एंटर ना हो सके। तो ये बेसिकली दो ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे कोल्ड स्टोरेज और आपकी जो नॉर्मल स्टोरेज है उनके दरमियान में फर्क करती है। अच्छा जी, तो खास तौर पर अगर आप लेट से कि हम कोई कोल्ड रूम जो है वो बनाना चाहते हैं, कोल्ड स्टोरेज रूम एरिया बनाना चाहते हैं, उसका अगर कोई नॉर्मल मॉडरेट सा साइज हो और आप चाहते हैं कि 4 डिग्री सी तक इसका टेम्परेचर मेंटेन रखा जाए, तो बेसिकली थर्मल इंसुलेशन और जो जो सोर्स ऑफ कोल्ड है यानी कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, ये बेसिकली उसकी तकरीबन जो 2/3 जो कॉस्ट होगी, जो इलेक्शन कॉस्ट है, शुरू में लगाने का खर्चा है, ये 2/3 इन दो चीजों पर मुश्तमिल होगा। उसके अलावा बाकी सब चीजें जो है वो उसके अलावा होंगी। तो इसीलिए हमारे पास जो थर्मल इंसुलेशन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास रेफ्रिजरेशन सिस्टम इफेक्टिव आप लोगों ने बनाना है, फूड मटेरियल्स को आपने अच्छी तरीके से उसको स्टोर रखना है, तो आपके पास अच्छा रेफ्रिजरेशन सिस्टम तो है, लेकिन अगर आपके पास अच्छी थर्मल इंसुलेशन नहीं है तो आपके पास ये सारी की सारी जो रेफ्रिजरेशन है ये आपकी फेल हो जाएगी और आप अपने प्रोसेस को सही तरीके से नहीं चला सकेंगे। जो थर्मल इंसुलेशन होती है इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के जो मटेरियल्स हैं उनको एक मखसूस थिकनेस के साथ उसको यूज किया जाता है। नॉर्मली ये जो मटेरियल आप यूज करते हैं ये पोरस होने चाहिए, इसके अंदर ऐसे पोर्स हों ताकि उसके अंदर एयर वगैरह ट्रैप कर सके, क्योंकि जब आपकी एयर ट्रैप करेगी तो वो बहुत अच्छे से इंसुलेटर बन जाएंगे। मसलन पॉलीमर फोम है, उसके अलावा कोई आपके पास मिनरल किस्म की वूल है, तो वो बहुत अच्छे किस्म के हमारे पास थर्मल इंसुलेटर्स होते हैं और वो बहुत अच्छी किस्म की इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली हमारे पास जो थर्मल इंसुलेटर्स होंगे ये ऐसे इंसुलेटर्स होंगे कि जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी की जो वैल्यूज होती हैं वो बहुत कम होगी। यानी कि आपके पास अगर आयरन है तो आयरन इज अ वेरी गुड कंडक्टर, तो आयरन की जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी एक प्रॉपर्टी है, ये आपको ये बताती है कि आपकी उस मटेरियल में से कितने हीट पास कर सकती है। तो जो कंडक्टर्स होंगे उनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हाई होगी, तो आपके पास जो इंसुलेटर है उसकी वो जो थर्मल कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है वो बहुत कम होगी। तो हमारे पास जो कमर्शियल इंसुलेशन मटेरियल्स हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यूज नॉर्मली 0.05 वॉट पर मीटर पर केल्विन होती है। अच्छा, ये खास तौर पर जो लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है इसकी जो एक बड़ी वजह होती है वो ये होती है कि आपके पास वो जो मसामदार स्ट्रक्चर है, जो पोरस स्ट्रक्चर है, उस पोरस स्ट्रक्चर के इनसाइड जो पोर्स मौजूद हैं उस पोर्स के अंदर वो जो एयर है वो ट्रैप हो जाएगी। अच्छा, जब वो एयर ट्रैप हो जाएगी तो उसकी वजह से आपके मटेरियल की वो जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो भी मजीद कम हो जाएगी। तो आप लोग जो सर्दियों के अंदर ये जर्सियां वगैरह पहनते हैं, बेसिकली ये जर्सियां क्यों इंसुलेशन का रोल अदा करती हैं, क्योंकि ये जो वूल होती है ये आपके पास एक फाइबरस किस्म की एक मटेरियल है, फाइबर होते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा पोर्स यानी कि फाइबर है, तो उसके अंदर आपके पास एम्प्टी स्पेसेस मौजूद है, तो जो एयर होती है वो इन फाइबर्स के अंदर ट्रैप कर जाती है। तो जब वो एयर ट्रैप करती है तो अब एयर जो है वो बहुत अच्छी किस्म का इंसुलेटर है, तो एयर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है इट इज वन ऑफ द लोएस्ट और वो 0.024 वॉट पर मीटर पर केल्विन होती है। जब एयर ट्रैप करती है तो आपकी वो जो जर्सी है उसको वो एक इंसुलेटर बना देती है, और एज अ इंसुलेटर नाउ इट स्टोर्स योर बॉडी हीट, और ये जो आपकी जो बॉडी हीट है इसको ये फिर लूज नहीं होने देती। तो जो रुई वगैरह है इसका भी यही काम है। तो हमारे पास जो इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उनके अंदर भी जो पॉलीमर फोम्स हैं, जो कि फाइबर आपके पास पोरस होंगी या आपके पास जो फाइबरस कोई मटेरियल्स हैं उनके अंदर जो गैप्स होते हैं उन गैप्स के अंदर एयर मौजूद होती है, और एयर की लो थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से आपके जो कमर्शियल इंसुलेशन मटेरियल्स हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यूज भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं।
अच्छा, अगर आपके थर्मल इंसुलेशन के अंदर कोई खुदा ना खासा मॉइस्चर हो, तो ये जो मॉइस्चर है थर्मल इंसुलेशन की एफिशिएंसी को बहुत तेजी से कम कर देता है। तो इसी वजह से ये बहुत जरूरी है कि आपकी जो इंसुलेशन है उस इंसुलेशन को आप किसी बैरियर के जरिए, यानी कि आप कोई मॉइस्चर बैरियर यूज करें। मॉइस्चर बैरियर का क्या मतलब है कि आप कोई प्लास्टिक की शीट लगा दें, कोई एल्यूमिनियम फॉइल लगा दें, आप इस तरह का कोई सरफेस इस तरह का ऐड अप कर दें ताकि जो मॉइस्चर है वो आपके इस जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसको डैमेज ना कर सके। क्योंकि अगर मॉइस्चर मिल गया तो आपकी इंसुलेशन जो थर्मल इंसुलेशन है वो अब इफेक्टिव नहीं रहेगी और वो प्रॉपरली जो है अपना मकसद पूरा नहीं कर सकेगी। अच्छा, फिर अब देखिए जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं ये ऑलरेडी अब देख चुके हैं बड़े कॉस्टली हैं। तो फूड इंडस्ट्री के अंदर आप कोल्ड स्टोरेज रूम के अंदर बहुत बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज एरियाज होते हैं, और उन कोल्ड स्टोरेज एरियाज के लिए आपको जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स चाहिए वो भी बहुत ज्यादा चाहिए, कॉस्टली हैं। उसके अलावा अब इनकी जो थिकनेस है वो थिकनेस भी एक मखसूस किस्म की होनी चाहिए। मसलन लेट से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 5 सेंटीमीटर थिकनेस की इंसुलेशन से काम चलता है तो वाई यू शुड यूज जो है 30 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर? क्योंकि जैसे जैसे आप इंसुलेटिंग मटेरियल की थिकनेस को बढ़ाएंगे उसका नुकसान क्या होगा, उससे आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी, आपकी कैपिटल कॉस्ट बढ़ती जाएगी और जो है उसके साथ बाद साथ उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती जाएगी, तो ये आपका नुकसान है। तो इसीलिए प्रॉपरली हम जो है कोल्ड स्टोरेज रूम्स को ये फूड साइंटिस्ट तो डिजाइन नहीं करते, लेकिन आपको सिर्फ बताया जा रहा है क्योंकि आप वहां पे मौजूद होंगे ताकि आपको अंदाजा हो कि किस तरीके से ये प्रोसेस किया जाता है। तो बेसिकली जो टेम्परेचर्स आपको डिजायर्ड हैं कोल्ड स्टोरेज रूम में उनकी मदद से प्रॉपर इनकी कैलकुलेशंस हैं जिसके जरिए आप अपनी एडिक्वेट थिकनेस कैलकुलेट करते हैं जो थिकनेस हमें थर्मल इंसुलेशन के लिए चाहिए। इसके साथ साथ हमें जो रूम की ज्योमेट्री है, रूम गोल है, चकोर है, आपके पास रेक्टेंगुलर है, किस किस्म का रेक्टेंगुलर आपके पास है, तो उसकी पे भी आपकी वो जो थिकनेस होगी इंसुलेशन की वो डिपेंडेंट है। उसके अलावा जो आप मटेरियल चूज करना चाहते हैं उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, दूसरा आपकी एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या है, आया आप कोल्ड स्टोरेज एरिया किसी डेजर्ट में तो नहीं बना रहे, आया आप कोल्ड स्टोरेज एरिया किसी ऐसी जगह तो नहीं बना रहे जहां बहुत ज्यादा आंधियां आती हैं, बहुत ज्यादा बारिशें हैं, या उसके ऊपर सूरज की जो रोशनी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी और इन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए आप कोई अच्छी सी थिकनेस, ऑप्टिमम थिकनेस, यानी कि ऑप्टिमम थिकनेस का मतलब यह है कि आपके जो डिज रिक्वायर्ड है जो पूरा पूरा काम करे, ज्यादा काम वाली आप चीज लेंगे ज्यादा थिकनेस पे जाएंगे तो आपके पास ये जो है हमें नहीं चाहिए, आपने उसको रिक्वायर्ड अमाउंट वाली लेनी है। तो ज्यादा थिकनेस लेंगे तो उससे आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, और जैसे ही कॉस्ट बढ़ेगी आपका जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज होना शुरू कर देगा। अच्छा जी, हमारे पास जो खास तौर पर ऑप्टिमल थिकनेस है ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको सही तरह ख्याल कर लें तो इसकी वजह से जो आपकी कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन होती है आप उसको बहुत ज्यादा हद तक कम कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है। अगर आपकी प्रॉपर इंसुलेशन की गई होगी जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, तो आप इसकी मदद से अपनी रेफ्रिजरेशन के कॉस्ट के खर्चे को वो भी अपना जो है कम कर सकते हैं। और एक चीज ये याद रखिएगा कि ये लेट से कि आपके पास अगर एक सेम रूम में भी है, मौजूद है, सेम कोल्ड स्टोरेज है, बाकी सारी चीजें सेम थी, लेकिन अगर आपने मिसाल के तौर पे कोल्ड स्टोरेज रूम कहीं वो सर्दियों में बनाया था या कहीं गर्मियों में बनाया था, ये सारी चीजों का भी ख्याल करना पड़ता है आपको। तो इसीलिए ये नहीं है कि भाई आपने रहीमिया खान के लिए जो कोल्ड स्टोरेज रूम डिजाइन किया था वो आपके एबटाबाद के लिए भी उसी तरह ही वो डिजाइन किया जाए, नहीं, उसकी कंडीशंस और हो जाएंगी और उसकी वजह से आपको उसकी जो थिकनेस वगैरह है उसको देखते हुए उसके लिए वो मजीद आपको कुछ कंसिडरेशन करनी पड़ेंगी, वहां पे डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स लगेंगे। अच्छा जी, नॉर्मली एक रफ एस्टिमेट आपको प्रोवाइड कर दिया गया है कि नॉर्मली
हमारे पास इस तरह की थिकनेस मेंटेन की जाती है कि जो आपके पास 9 वॉट पर मीटर स्क्वेयर, यानी कि अगर आपके पास 1 मीटर स्क्वेयर एरिया है तो उसमें से अगर 9 वॉट जो आपकी पास लॉस होती है हीट, तो इतनी हीट लॉस तक आप जो इंसुलेशन यूज करना चाहें, जो थिकनेस यूज करना चाहें, तो आपके पास ये एक्सेप्टेबल लिमिट है, और ये नॉर्मली हम इसको इसी को एज अ रूल ऑफ थंब यूज करते हैं। जो आपके कोल्ड स्टोरेज रूम्स हैं, इन कोल्ड स्टोरेज रूम्स की कुछ मखसूस किस्म की रिक्वायरमेंट्स भी हैं। मसलन हमारे पास देखिए कि जो आपका कोल्ड स्टोरेज रूम है उसके अंदर खास तौर पर ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो जो आपकी इंसुलेशन है, उस इंसुलेशन के अक्रॉस जो हीट ट्रांसफर है उसका आपको पता होना। ये ना हो कि इंसुलेशन ऐसी है कि कोई आपने लगा दिया है कि हीट ट्रांसफर वगैरह शुरू हो गया है, तो इससे आपके लिए प्रॉब्लम वगैरह बन सकती है। उसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि जो आपके कोल्ड स्टोरेज रूम है उसके अंदर वो जो एयर चेंजेस हैं हमारे पास, वो एयर चेंजेस क्या हैं उसका पता होना चाहिए, क्योंकि जो एयर है वो आपकी रेफ्रिजरेशन पे बहुत ज्यादा असरअंदाज हो रही है। उसके साथ साथ जो हमारे पास खास तौर पर आप जब कोई नई फूड मटेरियल लेके आते हैं और नया फूड मटेरियल उसका जो टेम्परेचर होता है कोल्ड स्टोरेज रूम के टेम्परेचर से ज्यादा होता है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कितनी आ रही है, कितनी ज्यादा है, कौन सी है, ताकि ये ना हो कि आप एकदम बहुत ज्यादा फूड मटेरियल एकदम बाहर से उसको एंटर कर दिया है, जिसकी वजह से अब उसको टेम्परेचर अचीव करने में देर हो रही है, और इस देरी के नतीजे में आपका जो फूड मटेरियल है कहीं वो डिग्रेड ना हो जाए। तो इसीलिए आपको रिफ्रिजरेशन रिक्वायरमेंट्स का पता चलेगा कि भाई ये पता लगेगा जी हर रोज इतने टन नई फूड मटेरियल एंटर हो जाती है, तो फिर आपको डिफरेंट किस्म का रेफ्रिजरेशन सिस्टम चाहिए होगा। अच्छा, फिर एक फ्रूट्स वगैरह के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर एक प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं रेस्पायरेशन प्रोसेस। तो क्या होता है रेस्पायरेशन प्रोसेस कि आपके पास वो जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होती हैं, तो क्योंकि उनके अंदर भी मॉइस्चर वगैरह मौजूद होता है और वो उनके अंदर मसाम भी मौजूद होते हैं, तो बेसिकली वो क्या कर रही होती हैं कि वो अपने साथ साथ जो है, आप कभी एक बार देखें आपके पास वो जो फ्रूट वगैरह होता है उसके ऊपर एक नमी सी भी आ जाती है, इसकी वजह से भी इस रेस्पायर, क्योंकि उसके अंदर जो फूड मटेरियल मौजूद है उसके अंदर कुछ और सी भी आपकी कोई केमिकल प्रोसेस हो सकता है, कुछ आपकी डिग्रेडेशन हो सकती है, इस नतीजे में जो हीट जनरेट होगी, तो वो जो हीट जनरेट होगी वो भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, आपको डिजाइनिंग के अंदर उसको भी जो है इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ताकि प्रॉपरली वो आपकी जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो डिजाइन हो सके। फिर आपने कभी कभार देखा होगा कि आप घरों में जो फ्रिज चलाते हैं वो अगर आप गौर करें तो नॉर्मल वो 10-10 मिनट के साइकिल्स पे चल रहा होता है, यानी कि पहले क्या होता है साइकिल कि आप चलते हैं आपको एकदम कंप्रेसर चलता है फिर बंद होता नजर आता है, एकदम झटके से आपको आवाज आती है, तो ये बेसिकली फ्रॉस्टिंग साइकिल्स हैं। तो जो फ्रॉस्टिंग साइकिल्स का मतलब क्या है कि आप सॉरी इसको डिफ्रॉस्टिंग साइकिल्स का मतलब क्या है कि आपके पास जो बर्फ जम जाती है आपकी इवेपोरेटर सेक्शन के ऊपर, तो उसको डिफ्रॉस्ट करने के लिए नेचुरली, क्योंकि जब इवेपोरेटर के अंदर से वो गुजरती है तो वो एकदम बहुत लो टेम्परेचर होता है, तो आपके पास एक नेचुरल फ्रिज के अंदर एक एक सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम मेंटेन किया जाता है, ताकि वो जो आपकी आइस बन रही है, आइस वो नहीं जो आप फ्रीजर के अंदर फ्रीज कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे, बल्कि जो फ्रीजर के अंदर जो इवेपोरेटिंग सेक्शन है, जो कॉइल्स वगैरह हैं उनके ऊपर अगर कोई बर्फ जम गई है, उस जम बर्फ को पिघलाने के लिए जो आपका कंप्रेसर है वो फिर उसका आपका वो स्विच ऑफ ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाता है और वो फिर खुद ब खुद स्टार्ट कर देता है। इस तरह के डिफ्रॉस्टिंग साइकिल्स की मदद से आप उसको, आपको ये भी डिपेंड करता है कि आपका डिफ्रॉस्टिंग साइकिल कितना बड़ा है, 10 मिनट बाद है, 5 मिनट बाद है, इससे भी जो है आपकी वो रेफ्रिजरेशन की जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह है उसको जज किया जा सकता है। उसके अलावा देखिए आपके पास बड़े कोल्ड स्टोरेज रूम होंगे, उसमें आपको देखना पड़ेगा कोल्ड स्टोरेज रूम में वहां पे लोग भी काम कर रहे होंगे, गाड़ियां भी चल रही होंगी, क्रेनें आ रही हैं जा रही हैं, ट्रक आ रहे हैं जा रहे हैं, सामान लोड हो रहा है, कन्वेयर चल रही है, लाइटें चल रही हैं, पंखे चल रहे हैं, फर्नीचर पर बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं, वो भी अपने साथ हीट लेके आ रहे हैं, तो उनकी हीट को भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, उनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, तभी ही हम जो है अपनी प्रॉपर रेफ्रिजरेशन की जो रिक्वायरमेंट है
उसका अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, जो हमारे पास जो लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर की वजह से हमारे फूड मटेरियल की प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। वो असर क्या पड़ सकता है? मिसाल के तौर पर देखिए कि इसमें आपके पास जो फूड मटेरियल होता है, जब वो किसी लो टेम्परेचर पे मौजूद होगा, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। उसके अलावा क्या होगा कि आपके जो फूड मटेरियल है, उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। अच्छा, सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह क्या होगी कि आपके पास उसके अंदर बाज़ुकात वो आइस के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, और वो क्रिस्टल्स बन जाएंगे, कुछ प्रेसिपिटेट, जैसे आपके पास प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप कुछ सोल्यूशन रखते हैं, तो सोल्यूशन आप देखें, शहद वगैरह अगर आप रख देंगे, तो आप देखेंगे उसके अंदर क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे, वो जमना शुरू हो जाएगा, तो वो क्लाउडीनेस आ जाएगी, वो दोबारा से क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आप शरबत बना के फ्रीजर में रख देंगे, तो कुछ अर्से बाद देखेंगे कि शरबत के नीचे जो आपकी शरबत के अंदर मौजूद चीनी थी, शुगर थी, वो क्रिस्टल होना शुरू हो गई है। तो इस वजह से ये सॉल्युबिलिटी भी उसकी डिक्रीज हो जाती है। इसके साथ साथ हमारे पास एक और जो प्रॉब्लम आती है, वो ये कि जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट सिस्टम है, कोई आपके पास फ्रूट्स वेजिटेबल्स के अंदर कोई कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो उनकी क्या होगी कि वो सख्त हो जाएंगे, और जो है आपके पास उसकी स्टेट्स भी चेंज हो जाएंगी। अच्छा, फिर जो फैट्स हैं वो भी हार्ड हो सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई फ्रूट मटेरियल या फ्रूट है आपके पास, कोई भी फूड मटेरियल मौजूद है, उस फूड मटेरियल के अंदर अगर कोई आपके पास इमल्शंस हैं, कोई आपके पास मिक्सचर ऐसे बने हुए हैं, कोई जेल जेली लाइक सब्सटेंसेस हैं, तो उन जेली लाइक सब्सटेंसेस के अंदर से वो बेसिकली उनको कोलाइड्स बोलते हैं, तो वो जो कोलाइड्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो सकते हैं, और आपकी ये जेल स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो सकता है। इसके साथ साथ फ्रीजिंग इटसेल्फ जो है हमारे पास, वो भी आपकी जो खास तौर पर फूड मटेरियल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उस पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है। अच्छा जी, हम जो फ्रीजिंग है, बेसिकली फ्रीजिंग हमारे पास या आपके पास जो फ्रोजन स्टोरेज है, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भी बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है। देखिए कि हमारे पास बहुत ज्यादा ऐसे फूड मटेरियल मौजूद हैं कि जिनको प्रिजर्व करने के लिए, लॉन्ग टाइम उनको दूर तक पहुंचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, जो आपके पास जो बेस्ट प्रिजर्वेशन टेक्निक है वो फ्रीजिंग ही है। उससे उसकी फूड क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहेगी, हर तरीके से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर कैसे कि अगर आपके पास जो फ्रीजिंग करें, तो फ्रीजिंग के नतीजे में जो फूड मटेरियल मौजूद है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसका फ्लेवर, उसका कलर, ये बहुत थोड़ा ही चेंज होते हैं। तो आपके पास ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये बहुत कम चेंज होती हैं व्हेन यू आर यूजिंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम। उसके लिए आपके पास ये बहुत अच्छी तरीके से हम फ्रीजिंग वगैरह में इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, और जो है बाज़ औक़ात तो ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, और इस वजह से ये बहुत जबरदस्त है। अच्छा जी, लेकिन जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है फ्रीजिंग का, वो ये है कि आपका जो फूड मटेरियल है, उसका जो टेक्सचर है, वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, उसके ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ता है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो एक और बड़ा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि हम जब आप कोई चीज फ्रीज कर रही है, और आपने फ्रीज करने के बाद उसको जब डी फ्रीज कर रहे हैं, थॉइंग कहते हैं, डी फ्रीज कर रहे हैं उसको, डी फ्रॉस्ट कर रहे हैं, तो इस नतीजे में, डी फ्रॉस्टिंग के नतीजे में आपके पास, आपको ख्याल रखना पड़ता है कि वो डी फ्रॉस्टिंग इस तरह की डी फ्रॉस्टिंग हो कि वो जो फूड क्वालिटी है वो आपकी वो बरकरार रहे। क्योंकि डी फ्रॉस्टिंग अगर आप प्रॉपर नहीं करते, तो ये पॉसिबल है कि आपका फूड मटेरियल थोड़ा सा जो है वो डैमेज हो जाए। तो क्योंकि अगर आप देखिए, आपने एक दफा डी फ्रॉस्टिंग कर ली है, तो जैसे ही डी फ्रॉस्टिंग आप करेंगे, तो आपके पास टेम्परेचर बढ़ेगा, माइक्रोबियल एक्टिविटी एकदम बहुत तेजी से स्टार्ट होगी। तो पॉसिबल है कि आप अगर आप उसको दोबारा फ्रीज कर लें, तो आपका वो फूड मटेरियल लॉन्ग टर्म में वो जल्दी डैमेज हो जाए। अच्छा, ये जो फ्रीजिंग का टेक्सचर के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, जरा उसको हम देख लेते हैं कि टेक्सचर पे किस तरीके से बुरा असर पड़ता है। कि हमारे पास जो खास तौर पर
जो वेजिटेबल, जो हमारे पास एनिमल या वेजिटेबल को टिश्यू होते हैं, तो इनको आप एक खास किस्म के, ये जो टिश्यूज होते हैं, तो आपके पास जो सेल होते हैं एनिमल या प्लांट सेल, ये बायो वगैरह में आप पढ़ चुके होंगे, तो ये एक खास किस्म के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से घिरे हुए होते हैं। तो ये जो सेल्स है, इस सेल्स के इर्द गिर्द एक एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल मौजूद होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है, ये बेसिकली जो सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म मौजूद होता है, उस प्रोटोप्लाज्म से कम कंसेंट्रेटेड होता है। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है, तो बेसिकली ये मोर कंसेंट्रेटेड होता है, ये सेल्स के इनसाइड मौजूद होता है प्रोटोप्लाज्म, लेकिन जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है, ये आउटसाइड द सेल्स है और ये लेस कंसेंट्रेटेड होता है। अच्छा, अब क्या होगा कि हमारे पास इन दोनों के दरमियान में जो कंसेंट्रेशन डिफरेंस है, इस कंसेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से एक डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होगा आपके पास, वो ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट होगा, इस ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस को बेसिकली जो सेल की वॉल है, वो सेल वॉल अपने अंदर एक खास किस्म की टेंशन, यानी कि उसकी खास किस्म की वो अपना तनाव के साथ इस जो डिफरेंस है उसको कंपेंसेट कर देती है। अच्छा, इस मखसूस फिनोमेने को हम टर्गर कहते हैं। अच्छा, अब बेसिकली ये जो टर्गर है, यही वो रीजन है कि आप कभी एक बार देखिए कि जो बड़ा ताजा फ्रेश किस्म की मूली हो, गाजर हो, खीरा हो, ये बहुत ही जो है आपके पास क्रिस्पी किस्म की ये वेजिटेबल है। एप्पल आपके पास अगर ताजा किस्म के एप्पल हो, उसकी जो क्रिस्पीनेस है, बेसिकली ये जो क्रिस्पीनेस है, ये इस टर्गर की वजह से ही है। तो आपको मैंने टर्गर एक्सप्लेन किया कि टर्गर किस तरीके से, कि टर्गर एक डिफरेंट डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर है, कि आपके पास जो प्रोटोप्लाज्म इनसाइड द सेल्स है और जो एक्स्ट्रा सेलुलर एक फ्लूइड है, उन दोनों की जो कंसेंट्रेशन डिफरेंस है, उसकी वजह से आपके पास जो है एक डिफरेंस डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है, जिसको सेल वॉल्स अपनी टेंशन से कंपेंसेट करते हैं। सारे फिनोमेने के नाम हमारे पास टर्गर है। अच्छा, अब क्या होगा कि जब हम फ्रीजिंग करते हैं, तो फ्रीजिंग करने के नतीजे में आपके फूड में से जो हीट है उसको रिमूव कर लिया जाता है। अच्छा, अब जब आप उसको हीट को रिमूव कर लेंगे, तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है, यानी कि जो आपके सेल्फ जो सेल्स के बाहर जो मटेरियल मौजूद है और जो लेस कंसेंट्रेट है, तो वो क्या होगा कि वो सबसे पहले वो फ्रीज होना शुरू होगा, क्योंकि वो लेस कंसेंट्रेट है, सबसे पहले वो उसने फ्रीज करना शुरू करना है। अच्छा, तो फिर क्या होगा कि अगर उसकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाए, जैसे जैसे वो फ्रीज होना शुरू करेगा, उसकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू करेगी। अगर ये कंसेंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू करेगी, तो क्या होगा कि वो जो ऑस्मोटिक प्रेशर था, ऑस्मोटिक प्रेशर किसके दरमियान में ऑस्मोटिक प्रेशर था, कि आपके प्रोटोप्लाज्म और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल के दरमियान में जो ऑस्मोटिक बैलेंस था, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। और इस ऑस्मोटिक बैलेंस की डिस्टर्ब होने की वजह से जो हमारे पास फ्लूइड आपके सेल्स में मौजूद है, वो फ्लूइड सेल्स से निकलकर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस पे आ जाएगा। अच्छा, जैसे ही टर्गर लॉस्ट हो जाएगा, तो अब इससे क्या होगा कि ये आपके पास जब फ्लूइड ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसकी वजह से टर्गर लॉस्ट हो जाएगा, टेंशन आपकी मटेरियल के अंदर रुक जाएगी और आपका जो फूड मटेरियल है वो पिलपिला सा हो जाएगा। आप देखिए, अगर आपको पिलपिला सा सेब दिया जाए, आप इसको सख्त नापसंद करेंगे, कोई खाने को तैयार नहीं होगा। तो वो टिश्यू क्योंकि सॉफ्ट हो जाएगा, और क्या होगा कि आपके पास जो है खास तौर पर जब इस तरह की फ्रोजन फूड को जब उसको डिफ्रॉस्ट किया जाए, उसको थॉ किया जाए, तो वो उस डिफ्रॉस्टिंग के नतीजे में जो आपके पास इनसाइड ऑफ द सेल से जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस पे जो मटेरियल गया था, वो दोबारा सेल के अंदर नहीं जाता, बल्कि वो क्या होता है कि वो आपके पास टपकना शुरू हो जाता है, वो आपके फ्रूट में से वो टपकना शुरू हो जाएगा, ड्रिप करना शुरू कर देगा, जिसको हम क्या कहते हैं खास तौर पर जो है फ्रूट्स या गोश्त की किस्म में ड्रिप। यानी कि जब आप देखते हैं कि आप तो कभी कभार नोट करें, जब आपके पास गोश्त, घर का फ्रीज किया हुआ गोश्त, उसको जब आप इसको डिफ्रॉस्ट करते हैं, उसको आप अपने किचन में रख देते हैं, तो वो बहुत ज्यादा पानी छोड़ देता है। वो जो पानी छोड़ता है,
वो पानी कहाँ से आया है, वो जो डिफ्रॉस्टिंग के नतीजे में उसने वो पानी छोड़ा है। बेसिकली ये पानी, ये वही लिक्विड है जो कि इनसाइड द सेल्स मौजूद था, और फ्रीजिंग के नतीजे में वो जब आपके पास डिसरप्शन हुई ऑस्मोटिक बैलेंस में, ये आपके पास पानी जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ गया, और एक्स्ट्रा जब आपने उसकी डिफ्रॉस्टिंग किया तो डिफ्रॉस्टिंग के नतीजे में ये अब जो पानी है ये दोबारा आप सेल के अंदर नहीं गया, बल्कि ये फ्री जूस की सूरत में, ड्रिप की सूरत में आपके गोश्त या फ्रूट से बाहर आना शुरू हो गया। अच्छा जी, तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। और नॉर्मली क्या किया जाता है कि आप अगर जो आपके पास जो फूड है उनके अंदर जो आप अपना सेल्स का जो टेक्सचर है, अगर आप उसके डैमेज को मिनिमम करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत तेजी से फ्रीजिंग करनी पड़ेगी। अगर आप रेट ऑफ फ्रीजिंग बहुत इंक्रीज कर दें तो उसका क्या फायदा होगा, उसका फायदा ये होगा कि रेट ऑफ फ्रीजिंग इंक्रीज कर देने से हमारे पास जो सेलुलर फूड्स होंगे, वो जो सेलुलर फूड्स होंगे उनका जो टेक्सचर है, उसका जो डैमेज है, वो बहुत ज्यादा मिनिमाइज किया जा सकता है। अच्छा जी, अब ये किस तरीके से ये होगा, जरा इसको एक्सप्लेन करते हैं, जरा इसको देखते हैं कि किस तरीके से एक्सप्लेन होगा। कि देखिए, हमारे पास जो ऑस्मोटिक इम्बैलेंस होता है, बेसिकली ऑस्मोटिक इम्बैलेंस कैसे क्रिएट होता है कि जैसे ही आप फ्रीजिंग करते हैं तो आपके पास ऑस्मोटिक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। अच्छा, अब क्या होगा कि आपने अगर ये फ्रीजिंग आप बहुत फास्ट रेट पे कर रहे हो तो क्या होगा कि आपके पास शुरू में जैसे ही आपके पास ये ऑस्मोटिक इम्बैलेंस क्रिएट होगा, तो ये क्योंकि इतना ज्यादा तेजी से फ्रोजन किया आपने कि वो सारे का सारा एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल फौरी तौर पे फ्रीज हो जाएगा, और उस फ्रीज आ, आ, फ्रीज उसके फ्रीज होने के नतीजे में वो जो आपकी ऑस्मोटिक इम्बैलेंस की जो कंडीशन थी वो डिसअपियर हो जाएगी, और इसकी वजह से हमारे पास क्या फायदा होगा, जो आपके पास जो जब आप इसको डिफ्रॉस्ट करेंगे तो इसके अंदर से जो ड्रिप है, जो उसका जो जूस है, वो कम से कम निकलेगा, और आपके पास ये टेक्सचर की जो क्वालिटी के जो लैक ऑफ क्वालिटी है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर आप जो है रैपिड फ्रीजिंग करें तो रैपिड फ्रीजिंग करने के अंदर से एक जो बहुत ज्यादा और आपके पास फायदा होगा वो ये होगा कि आपके पास रैपिड फ्रीजिंग करने के नतीजे में हमारे पास जो आइस के जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनेंगे। अच्छा, और जब ये आइस के क्रिस्टल्स छोटे बनेंगे, ये इतने ज्यादा नोकदार नहीं होंगे कि इसकी वजह से आपके जो सेलुलर सिस्टम्स है वो डैमेज होने से बच जाएंगे। अच्छा जी, ये तो थे कुछ, मैंने आपको टर्गर के बारे में बताया कि कुछ तरीके से आपके टेक्सचर का फ्रीजिंग की वजह से लॉस आता है। एक और जो लॉस है, बेसिकली आपके पास जो टेक्सचर के अंदर ही लॉस आता है, वो फ्रीजिंग के अंदर जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होती है, यानी कि फ्रीज करने के बाद जो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, ज्यादा चीज आपका वॉल्यूम घेर लेता है, तो उस वॉल्यूम के एक्सपैंड होने की वजह से भी टेक्सचर पे बहुत ज्यादा लॉस आता है। तो नॉर्मली ये हमारे पास जो आपके पास आइस होती है, लेट्स से अगर आपके पास 1 kg आइस है, तो 1 kg आइस का जो वॉल्यूम है वो 1 kg प्योर वाटर से 9% ज्यादा होगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि देखिए, जो आपका जो सेलुलर टिश्यूज होते हैं, वो सेलुलर टिश्यूज उनके अंदर कोई होमोजीनियस वाटर कंटेंट मौजूद नहीं होता, क्योंकि आपके सेलुलर टिश्यूज के अंदर और बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस वगैरह मौजूद हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि जब आप इसकी फ्रीजिंग होती है, तो फ्रीजिंग करने के अंदर जब एक्सपेंशन भी होगी तो क्या होगा कि आपके पास कुछ टिश्यूज जो होंगे वो ज्यादा तेजी, टिश्यूज के कुछ हिस्से ज्यादा तेजी से एक्सपेंड करेंगे, कुछ थोड़ी तेजी से एक्सपेंड करेंगे। अब इस कम ज्यादा एक्सपेंशन की वजह से आपका जो फूड मटेरियल है उसके अंदर एक मैकेनिकल स्ट्रेस पैदा हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आप देखिए, अगर आपके पास एक कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी का एक पाया ऊंचा एक नीचे है, तो आप देखेंगे कि वो कुर्सी बहुत जल्दी टूट जाएगी क्योंकि बैलेंस नहीं है, मैकेनिकल स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगी। इसी वजह से जब हमारे पास इस तरह की सूरत हाल होगी तो इन फूड मटेरियल के अंदर भी टेक्सचर के अंदर ऐसे क्रैक्स पड़ जाएंगे जिस क्रैक्स की वजह से वो आपके पास क्वालिटी उसकी डैमेज हो जाएगी। अच्छा, खास तौर पर
ये जो फिनोमिना है, ये हमारे पास ये जो क्रैक्स वाला जो फिनोमिना है, ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है ऐसे फूड मटेरियल्स के अंदर जिनके अंदर आपके पास जो वाटर कंटेंट है वो बहुत ज्यादा हाई है। मसलन खीरे हैं आपके पास, सलाद के पत्ते हैं, टमाटर वगैरह हैं, इनके इनके अंदर क्योंकि वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा मौजूद होता है, इसी वजह से आप देखेंगे कि कभी आप देखेंगे कि फ्रिज के अंदर जो खीरे वगैरह होते हैं बड़ी तेजी से खराब हो जाते हैं। तो आप उसके साथ जो है हमारे पास वो, और जो है अगर टमाटर वगैरह को भी बहुत अरसे फ्रीज कर लिया जाए तो उनका जो टेक्सचर है वो टेक्सचर बड़ी तेजी से डैमेज हो जाता है। अच्छा जी, इस किस्म के डैमेजेस को बचाने का एक तरीका भी है, आप इन डैमेजेस को जो है उनसे बच सकते हैं। मसलन क्या करें कि अगर आप कोई सलूट ऐड कर दें अपने फूड मटेरियल के अंदर तो उसकी वजह से आप जो है इस तरह के डैमेज से बच सकते हैं। मसलन क्या किया जा सकता है कि नॉर्मली अगर आप फ्रूट या कोई बेरीज हैं आपके पास, ये बेर वगैरह हैं उनकी किस्में हैं, उनको अगर आप फ्रीज करने से पहले उसके अंदर थोड़ी सी चीनी ऐड कर लें तो फिर उसके अंदर क्या होगा कि आप इस किस्म के उसके टेक्सचर की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो नॉर्मली अब तो हमारे पास अल्ट्रा फ्रीजिंग हमारे पास मौजूद है, तो जब आप अल्ट्रा जो रैपिड फ्रीजिंग करते हैं तो उसकी वजह से अब आपको ये ऐड नहीं करना पड़ता। लेकिन पुराने वक्तों में जब आप फ्रीजिंग वगैरह नॉर्मल कर रहे होते थे तो अगर आपको चीनी वगैरह उसके अंदर शुगर कंटेंट ऐड कर देते थे तो जिसकी वजह से आप जो है अपना ये जो टेक्सचर जो डैमेज है इसको मिनिमाइज वगैरह कर सकते थे। अच्छा जी, जो फ्रीजिंग का रेट होता है बेसिकली ये आपके जो फूड मटेरियल है उसके अंदर जो मौजूद क्रिस्टल्स हैं उन क्रिस्टल्स के साइज के ऊपर बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। अच्छा, अब क्या होता है अगर आप फ्रीजिंग स्लो करेंगे तो स्लो फ्रीजिंग करने से हमारे पास जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो क्रिस्टल्स काफी ज्यादा लार्ज बनेंगे। अच्छा, अब क्या होगा कि बेसिकली ये जो लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं, ये लार्ज क्रिस्टल्स क्या करते हैं, ये लार्ज क्रिस्टल्स क्योंकि इनके जो एजेस होते हैं बहुत ज्यादा शार्प होते हैं जिसकी वजह से ये सेल वॉल्स को ब्रेक कर देते हैं और फिर ये क्या करते हैं कि आपके पास जो टेक्सचर है वो बहुत तेजी से डिटीरियरेट हो जाएगा। तो हमारे पास जो सेलुलर फूड्स है वो स्लो फ्रीजिंग की वजह से बहुत तेजी से डिटीरियरेट होती हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास, अच्छा एक चीज और इसके अंदर नोट कीजिएगा कि हमारे पास जो स्लो फ्रीजिंग होती है तो खास तौर पर स्लो फ्रीजिंग जो गोश्त है या मछली वगैरह है उसके अंदर जो स्लो फ्रीजिंग है ये आपको बहुत ज्यादा मिकदार में ड्रिप पैदा करती है। यानी कि जब आप इसको डिफ्रॉस्ट करते हैं तो अगर आपने पहले स्लो फ्रीजिंग की हो गोश्त या मछली को और जब आप उसको डिफ्रॉस्ट करेंगे तो डिफ्रॉस्ट करने के नतीजे में बहुत ज्यादा उसमें से वो ड्रिप निकलेगा, उसका जूस निकलेगा, उसका पानी निकलेगा, तो ये उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, फिर क्या होता है कि अगर आप रैपिड फ्रीजिंग करें बहुत ज्यादा, तो रैपिड फ्रीजिंग करने से क्या फायदा होगा कि हमारे पास जो हमारे फूड मटेरियल मौजूद होते हैं वो फूड मटेरियल के अंदर खास तौर पर जो फ्रेजाइल फूड मटेरियल जैसे टमाटर वगैरह है, इस तरह के जो बड़े नरम से मटेरियल है, तो उनके जो डैमेज है उस डैमेज को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी है हमारे पास जो जो क्विक फ्रीजिंग है, जो क्विक फ्रीजिंग है तो उसको हम खास तौर पर प्रेफरेबल है और इसको बहुत ज्यादा आप फूड इंडस्ट्री के अंदर हम क्विक फ्रीजिंग को ही यूज करते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास जो फ्रोजन स्टोरेज है उस फ्रोजन स्टोरेज का भी हमारे पास फूड क्वालिटी पर बड़ा असर पड़ता है। सर इसको देख लेते हैं कि आपके पास फूड क्वालिटी पर कैसे उसका असर पड़ता है कि देखिए हमारे पास जो फ्रोजन स्टोरेज है जिस एरिया में आप फूड को स्टोर कर रहे हैं तो आपके पास जो जब उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपके पास जो डिटीरियरेशन है वो प्रोसेसेस हैं वो रुक गए हैं या वो नहीं मौजूद हैं, बल्कि एट लो टेम्परेचर भी डिटोरियरेशन जो होती है वो हो रही होगी, आपके जो फूड मटेरियल है वो मुसलसल डिटोरियरेट हो रहे होंगे। अच्छा, खास तौर पर ये एक बात याद रखिएगा कि ये पॉसिबल है कि जो फ्रोजन फूड्स हैं वो
आपके फ्रोजन स्टोरेज वाले एरिया में ही बहुत ज्यादा चेंजेस उसके अंदर अख्तियार करने हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जो इसको हम अभी तरह देखते हैं कि किस तरीके से ये है कि आपके पास जो हम जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं आपके फूड मटेरियल्स के अंदर, ये रिएक्शंस नॉर्मली जब आपके पास फ्रोजन फूड्स होती हैं ये स्लो हो जाती हैं, लेकिन हमेशा स्लो नहीं होते। अच्छा, तो बेसिकली तो आपके पास सिर्फ क्या होगा कि आपके ये फूड जो फूड मटेरियल मौजूद है, ये फूड मटेरियल के जो रिएक्शंस हैं ये तो स्लो तो हो गए हैं, लेकिन इसकी वजह से अब आपके पास उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी बढ़ गई है, रुक नहीं गए। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि भाई फ्रिज के अंदर चीज पड़ी रही है तो कभी खराब नहीं होगी, वो भी खराब हो जाएगी। सिर्फ ये है कि अब आपको एक लंबा थोड़ा सा अरसा मिल गया है जिस अरसे में वो खराब हो सकती है, और आपको थोड़ा सा टाइम मिल गया है और लंबे टाइम के लिए आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। बस ये फर्क आया, वो चीज हमेशा के लिए खराब होने से नहीं बच सकती। अच्छा, अब हमारे पास खास तौर पर जो प्रोटीन, हम बहुत दफा प्रोटीन डिनेचुरेशन पे बात कर चुके हैं, तो आपके पास जो इस तरह की जो डिटेरियरेशन आती है, एक खास तौर पर हमारे पास प्रोटीन डिनेचुरेशन हो जाती है, जो आपके पास मसल फूड्स हैं। मसल फूड से मुराद यह है कि आपके पास अगर फूड्स के जो आपके पास ऐसे मीट वाली चीजें हैं और उनके अंदर वो जो है आपके वो जो मसल्स हैं वो टफ हो जाएंगे। उसके अलावा प्रोटीन लाइपिड्स हैं, उनका जो इंटरेक्शन है, लाइपिड ऑक्सीडेशन है या कोई और ऑक्सीडेटिव कोई चेंजेस वगैरह हो रही हैं, मिसाल के तौर पर विटामिन्स हैं, पिगमेंट्स हैं, वो लॉस कर रहे हैं, तो इस किस्म की जो चेंजेस हैं वो उसके अंदर पॉसिबल है। अच्छा जी, हमारे पास एक ये काम किया गया कि जो बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के खाने पीने की चीजें थी उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन और जो सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनको टेस्ट किया गया। अच्छा, फिर एक खास किस्म का कॉन्सेप्ट जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ट्रिपल टी या टाइम टेम्परेचर टॉलरेंस। अच्छा, अब ये जो टाइम टेम्परेचर टॉलरेंस है बेसिकली ये इसकी वजह से क्या किया गया कि हमें ये पता ये चला कि आपके पास जो स्टोरेज टेम्परेचर होता है और खास तौर पर जो स्टोरेज टाइम है, अगर उसका एक अगर आप जो स्टोरेज टाइम का लॉगरिथम लें तो ये बेसिकली आपके पास इन दोनों के दरमियान में एक लीनियर रिलेशनशिप है, विच एक्चुअली वो क्या लीनियर रिलेशनशिप क्या बताती है कि आपके पास इक्वल रिडक्शन है क्वालिटी के अंदर, लॉस ऑफ विटामिन्स के अंदर, लॉस ऑफ कलर्स के अंदर, या आपके पास और जो लॉस ऑफ ऑर्गेनोलेप्टिक स्कोर यानी कि वो दिखने में कैसा है, वो नजर कैसे आ रहा है, वो फूड मटेरियल कैसा उसके साथ हो रहा है। तो बेसिकली हमारे पास जो स्टोरेज टेम्परेचर है और जो स्टोरेज टाइम है उसका अगर आप लॉग ले लें तो उन दोनों के दरमियान में एक लीनियर रिलेशनशिप है जो कि आपको जो क्वालिटी रिड्यूस हो रही है उसके बारे में आपको बताता है। अच्छा, बाज़ुकात ऐसा नहीं भी होता, लेकिन ये एक बड़ा प्रोमिनेंट हमारे पास फैक्टर मौजूद है। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो जो रिएक्शंस हैं वो हमारे पास फ्रीज कंसंट्रेशन की वजह से वो बहुत तेजी से रिएक्शंस हो रहे होते हैं, एज कंपेयर टू जो आपके पास जो है मिसाल के तौर पर अगर हम उसको किसी चीजों को कंसंट्रेट करके फ्रीज कंसंट्रेशन कर रहे हैं तो उसकी उसके नतीजे में वो रिएक्शन बहुत फास्ट होंगे एज कंपेयर टू द लोअर टेम्परेचर। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर क्या होगा कि एक मिसाल दे रहा हूँ, लाइपिड ऑक्सीडेशन है, तो लाइपिड ऑक्सीडेशन क्या होगी, ये पॉसिबल है कि अगर आप स्टोरेज टेम्परेचर को लो कर दें तो जो लाइपिड ऑक्सीडेशन है उसका रेट इंक्रीज कर दें। अच्छा, लेकिन उसके बाद क्या है कि अगर आप इसको जो है मजीद जो अगर आप इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर और मजीद गिरा देती है तो क्या होगा कि इसका जो टेम्परेचर वगैरह होगा वो जो मैक्सिमम शुरू में मैक्सिमम होगा और कुछ अरसे बाद वो मजीद कम हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको हीट ट्रांसफर के बारे में बताया, मास ट्रांसफर भी मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर देखिए, आपके पास कमरे में जो मौजूद एयर है उस एयर के अंदर वाटर ऐड हो जाए या वाटर के उस एयर में से वाटर रिमूव हो जाए, इस तरह के जो प्रोसेसेस हैं जिसके अंदर कोई मास ट्रांसफर हो रहा है तो उनको हम मास ट्रांसफर फिनोमेना कहते हैं। तो खास तौर पर
जो फ्रोजन स्टेज है उसके दौरान आपके पास ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रही होती है, लॉस ऑफ मॉइस्चर हो रहा होता है, तो ये बड़ी ही वजूहात है क्वालिटी लॉस की। तो इसी वजह से हमारे पास जो पैकेजिंग की क्वालिटी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रोजन फूड्स के हवाले से। तो आपके पास एक आपके पास प्रोडक्ट प्रोसेस पैकेज एक अप्रोच है, इसको बहुत ज्यादा इस यूज किया जाता है कि मिसाल के तौर पे आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका प्रोसेस क्या होगा, आपका पैकेज क्या होगा, इसकी मदद से ही हम फ्रोजन स्टोरेज की जो है आप उसको प्रोडक्ट क्वालिटी को बड़ी अच्छी तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। एक और जो बड़ा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो फ्रोजन फूड्स के अंदर स्टोरेज के दौरान में एक रिक्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाती है। जैसे मैंने आपको बात बताई है रिक्रिस्टलाइजेशन की कि आप मैं उसके अभी आपको मिसाल भी देता हूँ। तो रिक्रिस्टलाइजेशन के अंदर हमारे पास जब आप देखते हैं कि हमारे पास मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके पास शुगर क्रिस्टल्स मौजूद थे, वो आपने कोई शरबत वगैरह बनाया था, तो अब आपने उसको जब उसको डीफ्रीज किया है तो वो दोबारा से रिक्रिस्टल बना है। तो रिक्रिस्टल बनने में क्या होगा कि हम नॉर्मली आपके पास जो है क्रिस्टल्स का साइज डिफरेंट हो जाएगा। अब जब क्रिस्टल का साइज डिफरेंट हो जाएगा तो स्मॉलर जो क्रिस्टल्स होते हैं वो लार्जर क्रिस्टल्स के मुकाबले में मोर सॉल्युबल होते हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो स्मॉल आइस क्रिस्टल्स होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा बनिस्पत जो आपके पास लार्ज आपके पास क्रिस्टल्स होंगे। अच्छा, अब क्या होगा, वक्त गुजरने के साथ साथ ऐसा होगा कि अगर आपके पास स्टोरेज जो टेम्परेचर है उसके अंदर फ्लक्चुएशन आ रही है, मिसाल के तौर पर बिजली चली गई है, वो फ्लक्चुएशन आ गई है, तो फ्लक्चुएशन होने की वजह से क्या होगा कि आपके पास जो स्मॉल आइस क्रिस्टल्स होंगे वो मेल्ट हो जाएंगे और मेल्ट होने के बाद वो बड़े लार्ज क्रिस्टल्स के साथ मिलकर सॉलिडिफाई हो जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास ये उसकी क्वालिटी पर बड़ा असर पड़ेगा। और इसी वजह से हमारे पास बाज औकात क्या होता है कि जो फ्रोजन फूड्स होती हैं जो बड़ी तेजी के साथ उनको फ्रीज कर लिया जाता है और वो आपके पास जब आप उसको स्टोरेज के बाद देखती हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो क्रिस्टल साइज होता है वो आप बाज औकात ऐसा पॉसिबल है कि आप जब फ्रोजन फूड्स को बहुत तेजी से फ्रीज करें या आप उसको स्लोली फ्रीज करें तो उसके दरमियान में क्रिस्टल साइज एक जैसा ही होता है, ये पॉसिबल है। उसकी वजह यही है कि आपके पास वो जो फ्लक्चुएशन की वजह से जो स्मॉल आइस क्रिस्टल्स हैं वो भी सॉलिडिफाई होके लार्ज क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो गए। अच्छा, सबसे बड़ा जो मसला है हमारे पास रिक्रिस्टलाइजेशन का, ये आइसक्रीम वगैरह में होता है। होता क्यों है, क्योंकि देखिए कि आपके पास जो आइसक्रीम है आप देखें ये बड़ी स्मूथ होती है। आइसक्रीम आपकी उसका जो टेक्सचर है बड़ा स्मूथ टेक्सचर होता है, और आइसक्रीम अगर आपके पास अगर फ्लक्चुएशन होने की वजह से आइसक्रीम मेल्ट हुई है और दोबारा फ्रीजिंग हुई है तो इस मेल्टिंग और फ्रीजिंग के नतीजे में क्या होगा कि जो आइसक्रीम के अंदर जो स्मॉल आइस क्रिस्टल्स होंगे वो सॉलिडिफाई होकर लार्ज क्रिस्टल में बन जाएंगे, और जब वो लार्ज में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसका नुकसान क्या होगा, अब वो ज्यादा नुकीले हो जाएंगे और आपको वो जो स्मूथनेस आइसक्रीम में मुहैया होती थी वो आपको स्मूथनेस नहीं मिलेगी और अब आपका ये टेक्सचर लॉस हो गया। इसी वजह से हम फ्रीजिंग के दौरान में पूरी कोशिश करते हैं कि आपके पास जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है ये फ्लक्चुएशन कम से कम हो, बल्कि हो ही ना। तो दिस वॉज अवर रेफ्रिजरेशन टॉपिक। तो प्लीज वॉच दिस वीडियो, प्लीज गो थ्रू दिस नोट्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज राइट मी एन ईमेल या व्हाट्सएप मी। उसके अलावा सबसे अच्छा जो तरीका है, हमारा लाइव सेशन हर वेडनेसडे को 11:20 पर ये लाइव सेशन होता है, तो आप उस लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिए ताकि इस वीडियो को अगर आपने देख चुके होंगे, आपके जो है आपने नोट्स वगैरह पढ़े होंगे, जब आप लाइव सेशन को ज्वाइन करेंगे तो आप अगर आपको कोई सवालात हैं आपके कोई चीज़ें आपको क्लियर नहीं हैं तो आप उसको इजीली आप उसको देख सकें, आप उसको पढ़ सकें, आप पूछ सकें, ताकि हम जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप कर सकें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।